मेरे पापा के बाद हमारा कोई भी नहीं था। मेरा एक भैया थे और उनके लिए शायद मैं टेंशन थी वहाँ पे। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के रपूपुरा इलाके में हूँ और मेरे साथ वो दो लोग हैं जिनकी चर्चा ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी हो रही है, सीमा और सचिन। तो सबसे पहले सीमा बताइए कि आपके सामने वतन था और प्यार था? ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ, नहीं, वो भी देश है, मैं वहाँ रही हूँ, पली बड़ी हूँ, मेरा बचपन बीता वहाँ पे, मेरी अम्मी, मेरे मम्मा पापा भाई बहन वहीं के हैं, मेरे माँ बाप की कब्र वहीं पे है। तो उस देश के बारे में मैं कोई गलत नहीं बोलूँगी। बाकी अब प्यार था, अब ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, फिर मर जाना होता है, कुछ साल बाद बुढ़ापा, फिर मौत, फिर ऐसे ही चलते। जब मेरे पापा थे कभी जिंदा थे, उनकी अपनी आंखों के आगे मौत देखी हमने, तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है, तो मैंने प्यार को चुना सर। जब आपकी पबजी से बात शुरू हुई तो सीमा आपको मिली, चार बच्चे, क्या सोचा उस वक्त आपने? कोई बात नहीं है, जब बच्चे हैं तो क्या हुआ, तेरे बच्चे मेरे बच्चे एक बात है, कोई बात नहीं है। मैं जैसी तू है मेरे लिए ऐसे बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं ऐसे लिए तू है। पबजी पे आपको सचिन मिले, कैसे आपकी प्यार की शुरुआत हुई? हमारी सर बात होती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मैं इनको पाकिस्तान, तो जस्ट फ्रेंड थे हम तब, सिर्फ खाली दोस्ती ही थी हमारी। ये मुझे दिखाते थे, मैं इनको दिखाती थी, ये खुश होते थे मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं खुश होती थी मैं भारत देख रही हूँ। तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है। तसव्वुर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है तो आता, तो यही खुशी थी इनसे बात करने की, मैं इंडिया के किसी लड़के से बात कर रही हूँ। तो इसी में मतलब होते होते हमारी बात बहुत ज़्यादा होने लगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात भी हमारी बात होती रही है। तो इससे मेरी बहुत आदत सी पड़ गई, बहुत मतलब प्यार हो गया इनसे। फिर पहली मुलाकात सचिन के साथ आपकी कहाँ हुई और कैसे आप आए? नेपाल में हुई थी, 10 मार्च को मैंने टिकट कराई थी इनके लिए, 10 मार्च को मैं आई थी इनके पास नेपाल के, नेपाल में ही। आप कह रहे हैं कि आपने हिंदू धर्म अपना लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने खुद अपनाया है, मुझे किसी ने कोई प्रेशराइज नहीं करा। और हैदर वीडियो में कह रहे हैं कि सचिन ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया, हमें यहाँ लाए, मुझे किसी ने दिमाग मेरा ख़राब नहीं करा सर। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इनकी मोहब्बत में आई हूँ, इनकी मोहब्बत में मैंने ये धर्म भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे पति हैं ये, मैं मानती हूँ। हमने नेपाल में शादी करी है, मेरी इंस्टा की आईडी है सती मीनू, उसमें हमारी वीडियो पड़ी हुई है। सीमा ये बताइए कि आप जब मार्च में आई, उसके बाद फिर आप मई में आई, तो मई का आप किस तरह से आई और फिर कैसे भारत ग्रेटर नोएडा तक पहुँची? बस सेम ही था, मार्च में मेरे लिए थोड़ा कठिन था कि फ़र्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जहाज़ में बैठ रही हूँ, क्योंकि जब जहाज़ उड़े तो मैं बिल्कुल बहरी सी हो रही थी, मुझे पता भी नहीं कि मेरे कानों में दर्द क्यों हो रहे हैं, तो मैं समझ कुछ हो रहा है, तो वहीं दो तीन लड़कियां थी, मैं पूछ रही मेरे कानों में कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो कहते ये नॉर्मल है, जहाज़ उड़ते समय तो आपके कानों में दर्द होता है, इस तरह का था मेरे लिए। फिर सेकंड टाइम तो बहुत आसान था, मुझे पता पड़ गया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ लिखा होता है कि आप कनेक्टेड फ्लाइट है, यहाँ लिखा है कि जो आप दुबई के दुबई जाएंगे, तो फिर मुझे पता पड़ गया, क्योंकि मुझे समझाया था लड़कियों ने ना, बहुत अच्छी। नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे?